हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए मैक्रम की फिश का बहुत सुंदर सा डिज़ाइन लाई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को ये डिज़ाइन बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए दोस्तों, शुरू करते। हमें चाहिए पिंक कलर कॉर्ड, येलो कलर कॉर्ड, क्रीम कलर कॉर्ड, डार्क येलो कलर कॉर्ड, मैरून कलर कॉर्ड एंड ब्राउन कलर कॉर्ड। देखिए फ्रेंड, उसके बाद हमें चाहिए थोड़े से बेल्स, थोड़े से मटके वाले बीट्स और आइस चाहिए हमें। एक फिश के लिए एक आइस चाहिए, लाइटर एंड सीजर। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम 1 मीटर की ये कॉर्ड को इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद हम फिर से हमारी 2 मीटर की कॉर्ड है हमारी ये, इसको हम पिंक कलर की कॉर्ड को हम एक एक कॉर्ड में डबल बार हम पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड, अब मैं ये दूसरी वाली में पाइपिंग करूंगी। देखिए, मैंने पिंक कलर से दोनों में पाइपिंग कर दी है। इसके बाद मैं एक येलो कलर की कॉर्ड लूंगी, इसको भी मैं पिंक कलर की तरफ पाइपिंग करूंगी। ये देखिए, इसे हमें इस तरीके से रखना है कि हमें एक सिंगल कॉर्ड में हमें इसे डबल बार पाइपिंग करना है। ये देखिए, ये कॉर्ड हमारी एक पीछे को आएगी, एक हमारी आगे को रहेगी। ये हमारी इस वाले में पाइपिंग होगी। देखिए फ्रेंड, अब हमारी जो ये पिंक कलर की कॉर्ड है, इसे हमें आगे की तरफ पकड़ना है और इसमें येलो कलर की कॉर्ड से पाइपिंग करना है। ये देखिए, हमने इस तरीके से पाइपिंग किया है। इसी तरीके से हमें इधर के भी पिंक कलर की कॉर्ड पकड़नी है और इसको भी हमें पाइपिंग करना है। देखिए, ये हमने इस तरीके से पाइपिंग कर दी है। इसके बाद मैंने फिर से एक क्रीम कलर की कॉर्ड पकड़ी है, इसे भी मैं इसी में अटैच करूंगी। ये देखिए, ये मैंने अटैच कर दिया है। इसको भी हमारा एक मुंह इस तरफ आएगा, एक मुंह पीछे की तरफ, दोनों का अलग अलग होना चाहिए फेस। ये देखिए, अब ये मैंने फिर से सेकंड वाले में कॉर्ड को वो किया। अब जो हमारा ये पिंक कलर का कॉर्ड है, इसमें हम ये क्रीम कलर की जो हमारी कॉर्ड है, इसे हम पाइपिंग करेंगे। एक बार हम राइट की तरफ, एक बार हम लेफ्ट की तरफ। ये देखिए, अब लेफ्ट की तरफ किया मैंने। देखिए, ये इस तरीके से मैंने कर दिया है। इसके बाद फिर से हम जैसे क्रीम कलर में एक और इसमें अटैच करूंगी। ये देखिए, ये मैंने एक और क्रीम कलर अटैच कर दी है इसमें। और इसको भी मैं इसमें पाइपिंग करूंगी।
देखिए ये मैंने इस तरीके से अटैच कर दिया है। अब जो मेरी ये पिंक कलर की कॉर्ड है इसमें मैं ये क्रीम कलर से पाइपिंग करूंगी। बस हमारी जो आगे की पाइपिंग आती जा रही है उन्हें हमें पीछे तक लाना है सारी कॉर्ड को। देखिए अब ये जो इधर की तरफ से हमारा ये कॉर्ड आया है इधर से हम क्रीम कलर की उससे पाइपिंग करेंगे। देखिए फ्रेंड ये मैंने इस तरीके से पाइपिंग कर दिया है। इसके बाद मैं मैरून कलर की कॉर्ड लूंगी और इसको भी मैं उसी तरीके से अटैच करूंगी। अटैच हमें सिर्फ इसी तरीके से अटैच करना है। शुरू से लेके अब तक मैंने अटैच सेम एक तरफ एक ही जैसी की है। ठीक है फ्रेंड अब ये जो येलो कलर की मेरी इधर की कॉर्ड है इसे भी मैं फिर उसी तरीके से मैं पाइपिंग करूंगी। देखिए अब ये तीनों जो मेरी कॉर्ड है इनको भी मैं एक के ऊपर एक इसी तरीके से पाइपिंग करते जाऊंगी। अब देखिए अब टू कॉर्ड बची है इसको भी मैं इसमें पाइपिंग कर दूंगी। देखिए ये मैंने पूरा लास्ट तक पाइपिंग कर दिया है। अब इस तरीके से इधर भी करेंगे। देखिए फ्रेंड मैंने जैसे मैंने लेफ्ट साइड कंप्लीट किया था उसी तरीके से हमें राइट साइड भी वन बाय वन करते हुए कम करते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड मैंने ये कॉर्ड अटैच करी है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मैंने 9 कॉर्ड अटैच करी है। इसके बाद मैं जो मेरी फर्स्ट कॉर्ड है इसे मैं इसके ऊपर मैं फिर से पाइपिंग करूंगी। देखिए हमारी ये जितनी भी कॉर्ड है इन्हें हमें पाइपिंग करते हुए जाना है। इसके बाद हमारी फिर से जो ये येलो कलर की कॉर्ड है इसमें हम फिर से पाइपिंग करेंगे। दोस्तों हमें इसे लास्ट नॉक तक इसे पूरा फिनिश करना है। ये देखिए ये हमारी टू कॉर्ड बच गई है। इसमें भी मैं
वन पाइप इन और करूंगी। देखिए ये हमारा लास्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से हमें इस तरफ भी लेफ्ट की तरफ भी कंप्लीट करना है। देखिए फ्रेंड ये हमने कर दिया है। इसके बाद हम नीचे का डिजाइन बनाएंगे। इसमें हमारी जो ये दो येलो कॉर्ड यहाँ से आगे से आई हुई है इन्हें हमें छोड़ देना है, इन्हें हमें अभी टच नहीं करना है। इसके बाद हमारी जो ये फर्स्ट कॉर्ड है पिंक कलर की कॉर्ड, इसमें हम एक येलो कलर की कॉर्ड अटैच करेंगे। देखिए और फिर से हम इसमें पाइपिंग करेंगे। ये वाला येलो मेरा थोड़ा सा डार्क है, जो मैंने सबसे पहले लगाया था जिसमें मैंने सारी कॉर्ड अटैच की वो थोड़ा लाइट है। तो इसे देखिए फ्रेंड मैंने लास्ट में मैं ये पाइपिंग कंप्लीट कर दी है मैंने। अब जो मेरी लास्ट लाइन बची है इसमें मैं, देखिए जो मेरी ये लास्ट की कॉर्ड बची है ये मैंने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया है। उसके बाद मैं सबसे लास्ट में जो मेरी ये पिंक कलर की कॉर्ड ये बची है, ये टू ऊपर से बच आई हुई थी, इनको मैं येलो कलर की कॉर्ड के साथ पाइपिंग करूंगी। जो हमारी वो टू पिंक कलर की कॉर्ड थी उन्हें हमें छोड़ना नहीं है। अब ये हमारी येलो कलर की कॉर्ड है इसे भी मैंने तीन, देखिए हमारी ये दो पिंक और एक येलो है, इन तीनों को एक साथ फिर से पकड़ के पाइपिंग करना है। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से यहाँ पे पाइपिंग कर दिया है। इसके बाद में देखिए ये दोनों कॉर्ड है मेरी, इनको मैंने किनारे को कर दिया है। अब जिसमें मैंने सबसे पहले येलो कलर की कॉर्ड अटैच की है उसे भी आप साइड कर दीजिए। उसके बाद ये हमारी जो दूसरी कॉर्ड थी उसे भी साइड कर दीजिए। उसके बाद हमारी जो एक क्रीम कलर की कॉर्ड है इसे, इसमें हम एक मैरून कलर की कॉर्ड अटैच करेंगे और ये हमें सिंगल अटैच करनी है। देखिए ये मैंने डबल नहीं किया है, सिंगल किया है। इस तरीके से हमें करना है और जो ये छोटा सा हमारी ये कॉर्ड का ये धागा निकला है इसे हमें पीछे की तरफ करके स्टिक कर देना है। अब हम इसमें सिंगल पाइपिंग करेंगे क्योंकि सिंगल कॉर्ड है हमारी ये, तो इसमें हम हमारी सिंगल पाइपिंग होगी। इसे भी हमें वहीं तक पाइपिंग करते हुए लाना है जैसे हमने पहले येलो कलर की कॉर्ड को किया था उसी तरीके से। देखिए फ्रेंड ये भी मैंने पाइपिंग कर दी है। इसके बाद में सारी कॉर्ड, जितनी भी हमारी ये सारी कॉर्ड इकट्ठा हुई है इसके साथ ये येलो कलर की कॉर्ड को मैं पकड़ूंगी और जो मेरी ये मैरून कलर की कॉर्ड है इससे मैं पाइपिंग करूंगी। बस अभी तो आप ध्यान रखिए शुरू में कि आप कोई भी कॉर्ड को मिस ना करिए, इन्हें भी साथ ले जाते चलिए आगे की तरफ। ये देखिए ये मैरून भी मैंने अटैच कर दी है। इसके बाद मैंने फिर से क्रीम कलर की कॉर्ड पकड़ी है। अब जो हमारी सेकंड, ये देखिए ये भी मैंने किनारे किया, इसको भी साइड किया, इसे भी मैंने किनारे किया और इसे भी। इसके बाद फिर से हमारी क्रीम कलर की जो ये कॉर्ड आई है इसमें मैं फिर से एक कॉर्ड अटैच करूंगी। ये देखिए ये मैंने कॉर्ड अटैच की है, इसको मैं एक बार उस तरफ से बाहर निकालूंगी और एक बार मैं
इस तरीके से जगह से बाहर निकालूंगी, ये दोनों तरफ से बाहर निकलनी है, लेफ्ट एंड राइट। इसके बाद मैं इसमें भी पाइपिंग करूंगी, देखिए देखिए, कॉर्ड अटैच करने के बाद 3 टाइम हमें पाइपिंग करना है। ये देखिए फर्स्ट रो हो गई, सेकंड रो ये है और थर्ड रो ये हमारी हो रही है। ये देखिए देखिए, अब हमारी जो ये फोर्थ रो आएगी, ये देखिए थर्ड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम सारी कॉर्ड को, जितनी भी हमारी इकट्ठा हो रखी है कॉर्ड, इन सबको हम पकड़ेंगे। और ये मैरून कॉर्ड भी मैंने उसी के साथ पकड़ ली है और यहाँ पे हम पाइपिंग करेंगे। देखिए दोस्तों, ये मैंने पाइपिंग कर दिया है। अब जो हमारी ये दूसरी कॉर्ड है क्रीम कलर की, फिर से एक और कॉर्ड है, इसे भी हम इसी में पाइपिंग कर देंगे। ये देखिए जो हमारी ये वाली कॉर्ड है, ये देखिए ये वाली कॉर्ड को हम अभी हम साइड कर देंगे। इसको अब हमें आगे नहीं बोले, आगे इसको हमें इसके साथ नहीं ले जाना है। ये देखिए जो ये हमारी पीछे की जो हमने अटैच किया था कॉर्ड, सिंगल कॉर्ड अटैच किया था, उसे हम लाइटर की हेल्प से स्टिक कर देंगे यहीं पे। देखिए, और इसको मैंने साइड कर दिया है। देखिए ये सारी कॉर्ड मैंने अलग कर दी है। इसके बाद हम ये वाली जो हमारी जिसमें हमने ये अटैच किया था, इसको भी हम किनारे कर देंगे। इसके बाद हमारी ये मैरून कलर की कॉर्ड आ गई है, इसमें भी देखिए फ्रेंड हम सिंगल कॉर्ड अटैच करेंगे। ये देखिए ये सिंगल कॉर्ड हमने अटैच कर दी है। जो ये छोटी सी ये कॉर्ड निकली हुई है, इसे हम पीछे की तरफ कर देंगे और अब हम इसमें भी 2 टाइम्स पाइपिंग करेंगे। देखिए 2 टाइम्स मैंने इसमें पाइपिंग कर दी है। फिर हमारा जो ये लास्ट वाला बचा है, ये देखिए अभी हमें जो ये हमारे क्रीम कलर की कॉर्ड है, इसे हमें आगे नहीं ले जाना है, इसे हमें यहीं पे छोड़ देना है। और यहाँ पे भी मैं फिर से पाइपिंग करूंगी। ये देखिए ये पाइपिंग कर दिया है। जो हमारा ये ब्राउन कलर का कॉर्ड है, इसका जो हमने पीछे को पोर्शन किया था, इसको हम यहीं पे स्टिक कर देंगे। ये देखिए देखिए मैरून कलर की कॉर्ड जिसमें मैंने अटैच किया था ये ब्राउन कलर, उसे भी मैंने साइड कर दिया है। अब मेरी येलो कलर की कॉर्ड बची है, इसमें भी मैं एक येलो कलर अटैच करूंगी। इसको भी देखिए मैंने सिंगल अटैच किया है।
और इसको मैंने पीछे की तरफ किया, और जो मैरून कलर की कॉर्ड है इसमें मैं ये पाइपिंग करूंगी। जो हमारी ये सारी कॉर्ड है यहीं पे हमें फिर से पाइपिंग करना है येलो कलर से। ये देखिए ये मैंने येलो कलर से पाइपिंग कर दिया है, और जो हमारी ये फिर से सिंगल कलर की ये सिंगल कॉर्ड में ये जरा सा छोटा सा कॉर्ड निकला है, इसे हम यहीं पे स्टिक कर देंगे। देखिए 1 2 3, ये देखिए हमारे यहाँ पे 3 कॉर्ड हमने छोड़ दी है, इन्हें हम अपने साथ आगे नहीं ले जा रहे हैं। इसके बाद हमारी जो ये मैरून कलर की कॉर्ड बची ये है, इसे भी मैं यहाँ पे पाइपिंग करूँगी। देखिए दोस्तों इसे भी मैंने किनारे कर दिया है। 1 2 3 4, ये 4 कॉर्ड हमारी अब साइड में रहेगी। ये देखिए अब मैं ये जो और कॉर्ड है इसे मैं यहाँ इस तरीके से पाइपिंग कर दूंगी। ये देखिए अब येलो कलर की कॉर्ड जो सबसे ऊपर से आई हुई है इसे मैं यहाँ पे पाइपिंग करूंगी। देखिए जो 4 कॉर्ड मैंने साइड में छोड़ी है, 4 लेफ्ट में भी है, 4 राइट में भी है। अब जो हमारी ये येलो कलर की कॉर्ड है ये मैंने फिर से इसी के साथ पकड़ ली है, अब मैरून कलर की कॉर्ड से पाइपिंग कर रही हूँ। देखिए ये मैरून कलर की कॉर्ड भी फिर मैंने इसी के साथ पकड़ ली है। उसके बाद जो ये हमारी क्रीम कलर की कॉर्ड है इसे भी मैंने फिर पाइपिंग किया, ये देखिए, और इसको भी मैंने इसी के साथ पकड़ा है। उसके बाद फिर से दूसरी क्रीम कलर की कॉर्ड है, इसे भी मैंने पाइपिंग किया, इसको भी मैंने इसी के साथ फिर से पकड़ा है। उसके बाद जो ये येलो कलर की कॉर्ड है इसको मैंने फिर से इसमें पाइपिंग किया। देखिए ये मैंने इस तरीके से पाइपिंग कर दिया है। इसके बाद जो बीच की ये 2 कॉर्ड आई है, 2 येलो कॉर्ड है, इसमें मैं बीट्स अटैच करूंगी। देखिए फ्रेंड ये मैंने 7 बीट अटैच कर दिए हैं। उसके बाद जो बगल का दूसरी इसके बगल वाली कॉर्ड है उसमें भी मैं 6 बीट्स अटैच करूंगी। देखिए फ्रेंड ये मैंने फर्स्ट बीट्स वाला मैंने इसमें अटैच कर दिया है। इसके बाद जो हमारे बीच की कॉर्ड में जिसमें मैंने बीट्स डाला है इसकी 2 कॉर्ड है, एक मैं राइट की तरफ अटैच करूंगी, एक मैं लेफ्ट की तरफ अटैच करूंगी। तो इसको मैं
जो मेरा ये राइट हैंड है इस तरफ मैंने अटैच किया है। देखिए इसमें टू कॉर्ड है हमारी, ये मैंने राइट की तरफ कर दिया है। अब जो हमारी ये वाले है इसमें भी मैं बीट्स डाल के जैसे मैंने उधर राइट की तरफ किया है वैसे उसी तरीके से मैं यहाँ लेफ्ट की तरफ भी करूँगी। देखिए फ्रेंड ये हमारा इस शेप में आ चुका है, ये मैंने पूरा कंप्लीट किया है यहाँ तक। ये देखिए तीन लाइन मेरी बीट्स की हुई है। देखिए अब इस तरफ का मैरून और इस तरफ के हमारे जो दोनों मैरून कलर है इनके साथ में पाइपिंग करूंगी, और जो ये मेरा क्रीम कलर का है इसे मैं साइड को निकाल दूंगी। देखिए यहाँ पे मैं सिंपल नॉट बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड इसके बाद जो मेरी ये क्रीम कलर की कॉर्ड है इसके साथ मैं यहाँ पे फिर से पाइपिंग करूंगी। अब ये पाइपिंग हमारी राउंड सर्कल में आएगी। देखिए जितनी भी हमारी आगे आगे की सारी कॉर्ड है इन्हें हमें इसमें पाइपिंग करना है। बस आप आगे के कॉर्ड से पाइपिंग करिए और जो हमारी ये पीछे की सारी कॉर्ड रहेगी उन्हें कट करके वहीं पे स्टिक कर दीजिए। देखिए फ्रेंड जो ये लास्ट की मेरी ये कॉर्ड है क्रीम कलर की कॉर्ड थी जिसमें मैंने सारी पाइपिंग की है उसे मैं कट करके लाइटर से यहीं पे मैं इसको स्टिक कर दूंगी। देखिए देखिए फ्रेंड ये हमारा पूरा एक राउंड सर्कल में आ गया है। इसके बाद हम देखिए जो हमारे किनारे के सबसे किनारे के हमारे टू कॉर्ड थे जिन्हें हमने पाइपिंग की है इसमें हम टू बीट्स डालेंगे, मटके वाले टू बीट्स डालेंगे और एक हम इसमें बेल्स डालेंगे। बेल्स हमें सिंगल कॉर्ड में डालनी है और यहीं पे मैं इसको एक लॉक लगा के बंद कर दूंगी, मतलब एक पाइपिंग कर दूंगी, सिंगल पाइपिंग करूंगी और इसे सीजर से कट करके यहीं पे हम इसको स्टिक कर देंगे।
देखिए फ्रेंड, हमारी जितनी भी ये कॉर्ड है इन्हें हमें डबल डबल पकड़ के इनमें इसी तरीके से करना है। अब इसके बाद हमारी 1 2 3 4 फोर हमारी ये कॉर्ड है। इसमें हमारी जो फर्स्ट क्रीम कलर की कॉर्ड है इसमें हम ब्राउन कलर की कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। उसके बाद हम येलो कलर की कॉर्ड से पाइपिंग करेंगे। फिर हम हमारी जो ये पिंक कलर की कॉर्ड है इससे हम सिंगल पाइपिंग करेंगे। देखिए ये मैंने सिंगल अटैच किया है, जो ये छोटी सी कॉर्ड है इसे भी हम पीछे की तरफ करके वहीं पे स्टिक कर देंगे। फिर मैरून कलर की जो हमारी ये कॉर्ड है इससे भी मैंने फिर से पाइपिंग की है। उसके बाद हमारी जो ये येलो कलर की कॉर्ड है इसे हम इसमें अटैच करेंगे। ये हमें डबल अटैच करनी है और एक बार हमें इसे सिंगल इस तरीके से बाहर निकालना है। देखिए ये मैंने किया है। अब मैं इसको फिर से नॉर्मल पाइपिंग करते जाऊंगी सीधी तरीके से। देखिए जो ऊपर की हमारी ये कॉर्ड आई है ये भी मैंने इसी के साथ अटैच करी है। जो हमारी वो क्रीम कलर की कॉर्ड थी उसको हम ब्राउन के साथ भी अटैच किए हैं। जो हमारी ये पिंक कलर की कॉर्ड है ये हमारी हाफ मीटर की कॉर्ड है जो हमने अटैच किया है अभी, और जो हमारी येलो कलर की कॉर्ड है ये हमारी 1 मीटर की कॉर्ड है। ये देखिए, और जो हमारा ये ब्राउन कलर कॉर्ड थी इसको भी हमने फिर से वापस नीचे ला के येलो के साथ पाइपिंग कर दिया है। अब जो हमारी ये पिंक कलर की कॉर्ड है इसे हम फिर से ये देखिए, उसके बाद हमारी फिर से हमने पाइपिंग शुरू की है। ये हमने 5 टाइम्स पाइपिंग की है। देखिए ये हमने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद जो हमारी एक्स्ट्रा कॉर्ड है इन्हें हम कट करके स्टिक करेंगे और हमारा ये पंख तैयार है। इसके बाद हम फेस की आईज लगाएंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें फेस की आईज फिक्स करना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा फेविकॉल लिया है, ये देखिए। अब इसको मैं यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में रख के थोड़े देर छोड़ दूंगी। देखिए फ्रेंड, हमारी फिश तैयार है। थैंक यू सो मच फ्रेंड।